सुप्रभात बच्चों, अगर रास्ता भटक जाए तो निराश होकर बैठे नहीं या सिर न पकड़कर परेशान हो, बल्कि तुरंत सही दिशा को तलाशें और उस दिशा में आगे बढ़ें। देर से ही सही पर मंजिल अवश्य मिलेगी। अर्थात कई बार ऐसा होता है जबकि मनुष्य न चाहते हुए भी भटकाव की ओर बढ़ जाता है, किंतु उसमें आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जब जैसे ही उसे एहसास हो कि वो गलत तरफ बढ़ रहा है, उसे तुरंत सही दिशा तलाश कर सही दिशा की ओर कदम बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी सुविचार के साथ आज मैं अपने हिंदी सत्र की शुरुआत करती हूँ। पिछले सत्र के दौरान आप लोगों ने अनोखा वरदान पाठ 6 पढ़ा, एक अच्छी कहानी जो बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की परिचायक थी आपने पढ़ा जाना, और प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही क्रम के अनुसार वाक्यों को संयोजित करना, ये सब आप लोगों ने जान लिया। प्यारे बच्चों, मैंने आपको गृह कार्य दिया था, विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ने और लिखने के लिए आप लोग एक बार जरूर उस विक्रम बेताल की कहानी को पढ़कर आनंदित हुए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब हम लोग आगे चलते हैं इस प्रश्न की ओर, अनुमान और कल्पना का ये प्रश्न। बातचीत के लिए भी प्रश्न हो चुका था अनुमान और कल्पना का प्रश्न, ये मुख्य रूप से आपके अनुमान और कल्पना, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी अनुमान और आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के या कल्पना शक्ति को विस्तार देने के लिए ये प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं। कल्पना शक्ति आपकी और अनुमान की शक्ति आपकी यदि बढ़ती है तो आप किसी भी भावाभिव्यक्ति को या किसी भी व्यवहारिक चीज़ों को अधिक अच्छे से समझ और जांच परख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता? बच्चों, ये प्रश्न मैं आपसे करती हूँ कि यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता? निश्चित रूप से आपके दिमाग में भी यही बात आई होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। यही आपका आज का गृह कार्य है। मैं देखना भी चाहूंगी कि आपके दिमाग में क्या बात आई। यदि मुझसे पूछे तो मेरे दिमाग में तो बात यही आई कि यदि राजा पैदल जा रहा होता, एक आम आदमी की तरह, एक साधारण आदमी की तरह, तो कोई डाकू उसके पीछे लगते ही नहीं। डाकू तो राजा के बांके घोड़े की तरफ आकर्षित होकर उसे लूटने के लिए पीछे लगे थे। ठीक है, तो मैं तो यही जवाब देती कि यदि राजा पैदल जा रहा होता तो उसे इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि डाकू तो घोड़े से प्रभावित होकर या आकर्षित होकर राजा के ऊपर हमला करने वाले थे। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको आप अपने ढंग से लिखिएगा, आपका हो सकता है और अच्छी आपने कल्पना की हो। अब दूसरा प्रश्न, अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता? जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को पाठ पढ़ाने के दौरान कहानी समझा रही थी, भावार तब भी बताई थी कि राजा वही व्यक्ति होता है जो कि पुरुषार्थी होता है, जो सक्षम होता है, जो वीर भी होता है, जो योद्धा भी होता है, जो धैर्यवान भी होता है। यानी राजा में अनेक गुण समाहित होते हैं। तो
जब राजा के ऊपर यदि डाकू हमला करते, यहाँ पर प्रश्न है, और 6 नौजवान उसकी रक्षा नहीं कर पाते या नहीं करने आते, तो कहानी में क्या बदलाव आता? तो ऐसा हो सकता था कहानी कुछ इस तरह होती कि राजा उन डाकुओं का डट कर मुकाबला करता और अपने घोड़े सहित अपनी सुरक्षा भी कर लेता और साथ में उन डाकुओं को जेल की हवा भी खिलाता। ये तो मेरी कल्पना शक्ति है, लेकिन आप अपनी कल्पना शक्ति से आप क्या बदलाव कहानी में आता ये बताइए। यही आज का आपका गृह कार्य है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग भाषा की बात के प्रश्न पर आते हैं। पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया शब्द आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने कक्षा 2, 3, 4, 5 तक में क्रिया शब्द पढ़ा है। मैं क्रिया शब्द का एक बार फिर से आपको याद दिलाना क्रिया शब्द को जानूंगी। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा शब्द, और बच्चों जरा काम वाले शब्द बताइए। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी काम वाले शब्द हैं, जैसे देखना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब काम वाले शब्द, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो क्रिया शब्द हैं। आई बात समझ में? तो फिर से समझिए, नाम वाले शब्द संज्ञा और काम वाले शब्द क्रिया। ये तो मैं आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाई, लेकिन व्याकरणिक तरीके से तौर से समझिए या सीखिए तो परिभाषा कुछ इस तरह से है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। करना मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे काम हो रहा है, यानी पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया हो रही है। किंतु होना क्या होता है मैम? हाँ, होना भी एक क्रिया है। मेरा होना या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनका उस समय प्रधानमंत्री होना, महात्मा गांधी महापुरुष थे, महात्मा गांधी का महापुरुष होना, एक व्यक्ति का महापुरुष होना भी एक क्रिया है, ठीक है। इस का यहाँ होना भी एक क्रिया है, ठीक। तो किसी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। पाठ में आए कुछ क्रिया शब्दों को आपको बताना है। क्रिया शब्द बच्चों ध्यान इधर, मैंने ये कुछ क्रिया शब्द आपके इसी पेज पर निशान लगाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे काटेंगे, काटना एक क्रिया है, उठेंगे, उठना एक क्रिया है, बैठेंगे, बैठना एक क्रिया है, खाएंगे, पिएंगे, पीना, खाना, सोना, चलना एक क्रिया है। तो ये सारे क्रिया शब्द आपको अपने यहाँ पर लिखने हैं। क्या क्या लिखेंगे आप? उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, काटेंगे, ठीक है बच्चों? इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम चलते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द ऐसे शब्द जो दिए गए शब्द के उल्टे अर्थ बताएं, वो विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ये आप लोग बचपन से जानते आए हैं। फिर से मैं आपके पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ूं, यहाँ पर पूछा गया है कि पाठ में आए विपरीतार्थी शब्द को ही लिखना है आपको,
ठीक है। तो यहाँ पर रंग आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि विजय सिंह नाम का एक राजा था, तो रंक का राजा, रंक माने भिखारी और राजा माने राजा तो होता ही है, ठीक है। तो रंक और राजा, फिर उसके बाद गरीब भी कह सकते हैं रंक का, गरीब या भिखारी और यहाँ पर राजा। अंदर, अंदर का देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने निशान लगाया है राजा, ठीक है। अंदर का बाहर, ये निशान लगाया है, अंदर का आप लिखेंगे बाहर, और अस्वीकार शब्द वहाँ है उसका स्वीकार, और विद्वान का मूर्ख, यानी आपके पाठ में से ही आपने ढूंढ कर यहाँ लिखा। रंक का राजा, अंदर का बाहर, अस्वीकार का स्वीकार, विद्वान का मूर्ख। अब बच्चों मैं तीसरे प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। शब्दकोशीय क्रम में आप शब्दों को संयोजित करें या सजाएं, ठीक है। कैसे, आप लोगों ने पहले भी पाठ में पढ़ा था और मैंने आपको एक पीडीएफ भी समर ब्रेक के पहले, गर्मी की छुट्टी जो आपकी 15 दिन की हुई थी उसके पहले मैंने एक पीडीएफ आपको शब्दकोशीय क्रम का भेजा था, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपने नोट डाउन जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो अपने मोबाइल से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं एक बार इस पीडीएफ को आज फिर आपके सत्र के दौरान भेज दूंगी, ठीक है। अगर जिसका जिसके पास नहीं होगा वो इसे नोट डाउन जरूर कर लेगा, ये हर समय आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ, कि कई बार शब्दकोशीय क्रम में करते समय या लिखते समय आपको कोई भी शंका आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे। इसे मैंने बड़े सोच समझकर आपके स्तर का सोचकर बनाया है आसान तरीके से। क्या है शब्दकोशीय क्रम में, पहले आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि हम लोग जो वर्ण पढ़ते थे वो अ आ इ ई ये क्रम पढ़ते थे, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, आपको पहले अनुस्वार वाले शब्द लिखने हैं, पहले अनुस्वार वाले शब्द, फिर विसर्ग वाले शब्द शब्दकोश के क्रम में, फिर अ आ इ ई उ री ए ए ओ वाले शब्द लिखने हैं, ये सारे स्वर लगाकर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपको संयुक्त स्वर लिखने हैं, संयुक्त व्यंजन लिखने हैं, जैसे क की एक पंक्ति देखिए, कंग कह, फिर क वाले शब्द, फिर का वाले शब्द, फिर की, फिर की, फिर कु, फिर कु, फिर क्री, फिर के, फिर कै, फिर को, फिर कौ, और इन सब के बाद तब फिर क आदेश आदे आधा क, जिन जिन व्यंजनों से जुड़ेगा उनसे जो शब्द बनेंगे वो शब्द आपको लिखने होंगे, वो क्रम या संख्या डालनी होगी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्ष त्र ज्ञ और श्र ये संयुक्त अक्षर हैं, ये संयुक्त व्यंजन हमेशा कहाँ कहाँ आएंगे, जैसे क्ष क वाले क्रम में आएगा, जब क और श जुड़कर क्ष बनते हैं, इसलिए इतनी बात समझ में आई। और त्र, त्र भी संयुक्त व्यंजन है, तो ये त वाले क्रम में आएगा क्योंकि त और र जुड़कर बनते हैं। ज्ञ, ज्ञ ज वाले क्रम में आएगा क्योंकि ज और इय, ज और इय मिलकर ज्ञ बनते हैं। और श्र, श तालव्य श वाले क्रम में आएगा क्योंकि श और र मिलकर के श्र बनते हैं। बाकी चीजें आपने
इसी क्रम में बैठाना है या इसी क्रम से आपको समझना है। ये चार चीजों को बीच में आपको ऐड करके ही बनाना है। जैसे अगर क्षत्रिय शब्द बीच में आता है तो आपको क्षत्रिय शब्द क वाली पंक्ति में ही जोड़ते हुए क्रम देना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लियर और समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप फिर से समझ लीजिएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको शब्दकोश के क्रम वाला ये प्रश्न बताने जा रही हूँ। नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। अब यहाँ पर आपका पहला क्रम संख्या क्या होगा? मैंने आपको पीडीएफ में बताया पहले अनुस्वार, यहाँ लिखा मैंने क्या आपको लिखा शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग पहले होगा, जैसे कं कह तब क। और यहाँ पर अनुस्वार वाला कौन सा वर्ण है? स्वर या अंग, पहला नंबर अंग पर, फिर दूसरा अतिथि, ठीक है, अंग रक्षकों, फिर दूसरा अतिथि। अब उसके बाद देखिए कोई स्वर है, अंग अह अ तक हम आ गए, आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ से कोई शब्द अब नहीं है। अब हम व्यंजन में आते हैं, व्यंजन में क ख ग, ग से देखिए ये शब्द दिख रहा है, ग के नीचे ऋषि वाले री की मात्रा लगी है, ग से, क से कोई शब्द नहीं था, ख से नहीं, तो ग पे अब हम तीसरा नंबर डालेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे घ, अंग से तो कोई शब्द होता नहीं, फिर च, च से है नहीं, छ से नहीं, अब अगला शब्द ज से है, ज से जीवित, तो चौथा नंबर हम संख्या चार यहाँ पर डालेंगे। अब झ से कोई शब्द है नहीं, इया से कोई शब्द नहीं होता, ठीक है बच्चों, अब ट से कोई है, ठ ड ढ ण नहीं, फिर त थ द ध न कोई शब्द नहीं है। अब उसके बाद प से है, प से पुरस्कार, तो यहाँ पर हम पांचवा नंबर डालेंगे, और फ ब से कोई शब्द नहीं है लेकिन भ से है, तो यहाँ पर हम छठा नंबर डालेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब म से कोई शब्द नहीं है, फिर य से कोई शब्द नहीं है, र से नहीं है, ल से नहीं है, व से नहीं है, तालव्य श से नहीं है, मूर्धन्य श से नहीं है, लेकिन तालव्य स से है, सॉरी बेटा, तालव्य श से ये शब्द है, तो यहाँ पर आप सेवन नंबर डालेंगे, सात नंबर, और फिर मूर्धन्य श से कोई नहीं है, फिर दंत स से है, तो दंत स से स्वयं, ये आठ नंबर। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ये क्रम आपने समझा? फिर से मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसको निश्चित रूप से आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आज फिर मैं भेज दे रही हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो बचपन में हमने वर्णमाला पढ़ी थी उससे थोड़ा भिन्न हो जाता है शब्दकोश का क्रम। शब्दकोश माने हिंदी डिक्शनरी, आप इंग्लिश की डिक्शनरी जैसे जानते हैं वैसे हिंदी डिक्शनरी, जैसे वहाँ अल्फाबेटिकल क्रम में शब्द रहते हैं वैसे यहाँ भी एक निश्चित क्रम में रहते हैं, उसी क्रम को मैंने अभी आपको पीडीएफ में समझाया, और अभी यहाँ उस क्रम को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये पांच नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं।
ना केवल 5 नंबर के प्रश्न के लिए बल्कि जानकारी के लिए भी। और साथ में इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर एक बच्चे के पास एक हिंदी शब्दकोश का भी होना अनिवार्य है। आप जब भी, अब तो लॉकडाउन हट गया है, आप अगर पुस्तक की किसी दुकान पर जाते हैं या आपके पेरेंट जाते हैं, आपके अभिभावक जाते हैं, तो आप उनसे आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए कि वो आपके लिए एक छोटी हिंदी शब्दकोश ले आए। चाहे राजपाल एंड सन्स की ले आए, चाहे भार्गवा की भी आती है, आप किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की एक हिंदी शब्दकोश अपने पास जरूर रखें। ये बात, ये सुझाव मेरा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार हम लोग इस तरफ मुड़ते हैं और अपने शब्दकोश के क्रम पर ध्यान देते हैं। पहला अंगरक्षक, दूसरा अतिथि, तीसरा गृहिणी, चौथा जीवित और पांचवा पुरस्कार, छठवां भेष, सातवां शीघ्र और आठवां स्वयं। प्यारे बच्चों, जीवन मूल्य का प्रश्न मैं पहले दिन आपको दे चुकी हूँ। मंगलवार को जो मेरा क्लास था उसमें मैंने आपको गृह कार्य दे दिया था, आप लोगों ने करके दिखाया। जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से अभी कर लेंगे। कुछ करने के लिए मैं वेडनेसडे को, बुधवार को आपको काम दी थी आपने उसे, सॉरी बृहस्पतिवार को मैं आपको काम दी थी और आपने बृहस्पतिवार को का काम करके दिखाया। कुछ बच्चों ने नहीं दिखाया, वो विक्रम बेताल की कहानी पढ़ेंगे और उसे लिखकर मुझे दिखाएंगे। ये काम मैंने आपसे कहा था कि इसे मैं जब कक्षा में होंगी तो विक्रम बेताल की कहानी का नाट्य मंचन कक्षा में करवाऊंगी, दो ग्रुप बना करके दो कहानियों का। ये जब हम लोग मिलेंगे क्लास में, कक्षा में, तब करवाएंगे। तो इस तरह से आपका इस पाठ का अब कोई भी काम मेरी समझ से नहीं बचा हुआ है। फिर भी सत्र के दौरान मैंने आपको जो कुछ भी समझाया, यदि नहीं समझ में आया तो बेशक आप अभी पूछ लीजिएगा और अगले सत्र में मैं पाठ 6 अभ्यास सागर पढ़ाऊंगी, उस पर आपका ध्यान दिलाऊंगी। तो अगले सत्र में आप अभ्यास सागर के लिए तैयार होकर बैठिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। खुश रहिए और उत्साही रहिए, ऊर्जावान रहिए। शुभकामनाएं बच्चों।